मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बघेल सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने 1 नवंबर 2004 से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले पर मुहर लगाई है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से खत्म करके सामान्य भविष्य निधि नियम के मुताबिक मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इधर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्यता देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का फैसला लिया गया। इधर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने फैसले को मंजूरी दी गई है। एक अन्य फैसले में छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी प्राप्त रियल एस्टेट प्रोजेक्टों में शर्तों के साथ आवासीय मकानों और फ्लैट्स की रजिस्ट्री शुल्क में 2% छूट की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। मिनी पीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसकी परीक्षाओं में स्थानीय लोगों के परीक्षा शुल्क को पूर्णतः माफ करने का अनुमोदन आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में जो आवासीय मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री शुल्क 2% की छूट की प्रभावशीलता जो पिछले मार्च महीने तक किया गया था उसको 1 साल बढ़ाने का माने 31 मार्च 2023 तक के बढ़ाने का निर्णय लिया गया।